हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्रे हुरिकेन। गाइस, आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। गाइस, 2-3 दिन पहले मैंने थोड़ा ऑफ रोडिंग किया था, उसके बाद बाइक वैसे गंदा का गंदा ही है, मैंने वॉश नहीं किया अभी तक। और चेन को भी थोड़ा आज साफ कर देते हैं और बाइक को भी थोड़ा नहला देते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मीनवाइल चेन को साफ करने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक बोतल में थोड़ा सा केरोसिन, उसके बाद 8mm बोल्ट को खोलने के लिए जो फ्रंट वाला स्पॉकेट होता है, स्पॉकेट का कवर, उसको खोलने के लिए एक टूल, उसके बाद एक पुराना ब्रश जिससे आप पहले ब्रश करते थे वो वाला ब्रश। तो सबसे पहले मैं फ्रंट स्पॉकेट कवर को खोल लेता हूँ। और जब आप लोग कवर को खोल देंगे उसके बाद आपको 3 वॉशर मिलेगा। मेरे पास तो फिलहाल 2 ही है, मेरा एक पहले गुम गया था, इसलिए आप लोगों को ये 3 वॉशर संभाल के साइड में रख देना है। और ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा गाइस, वरना आपके हाथ काले हो जाएंगे। अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पहला गियर डाल के इनको घूमने देंगे। उसके बाद मैं चेन के ऊपर थोड़ा थोड़ा केरोसिन डालते रहूँगा ताकि केरोसिन पूरे चेन में अच्छे से लग जाए। केरोसिन अच्छे से डालना है गाइस, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद ब्रश से चेन को अच्छे से साफ कर देंगे। ये साफ कपड़ा पूरा काला हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं चेन में कितना सारा गंदगी लगा था। ऐसा टेक्निक है गाइस जिससे आप फ्रंट पॉकेट के अंदर छुपे हुए गंदगी को भी निकाल सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, कपड़े का एक सिरा लेके ऐसे आपको फंसा देना है और व्हील को सामने की तरफ घुमा देना है। ऐसे आपका जितना भी कचरा अंदर छिपा हुआ था वो सब बाहर निकल आएगा। और अभी बाइक का वॉशिंग होगा। बाइक और चेन अच्छे से सूखने के बाद अभी बारी है चेन लूप का।
और मैं मेरे बाइक के लिए यूज़ कर रहा हूँ मोटोल का चेन लूप। आप कोई और ब्रांड का भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेन को लूप करने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि चेन पूरा सूख चुका है, क्योंकि गीले चेन में लूप करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैं एक बार थ्रॉटल करके व्हील को स्पीड में घुमा रहा हूँ, क्योंकि चेन में अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो वो बाहर निकल जाए। स्प्रे अच्छे से मारना है गाइस, ताकि चेन के सारे रिंग अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए। चेन लूप होने के बाद फ्रंट स्प्रॉकेट कवर को पहले जैसा था वैसे ही लगा देंगे। और हमारा चेन क्लीनिंग और बाइक वॉश कंप्लीट हो चुका है। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे कैसा वीडियो अपलोड करना चाहिए। मैं आगे भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।